हरियाणा न्यू वैकेंसी 2021। जी हां साथियों, हरियाणा के 22 जिलों में कई प्रकार के पदों पर जो नई भर्ती आई है उसके ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाणा डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हरियाणा का एकमात्र विश्वसनीय चैनल जिसके ऊपर हरियाणा की सभी प्रकार की भर्तियों से रिलेटेड जानकारी रेगुलर प्रोवाइड करवाई जाती है, इसलिए अगर आपको भी सही और सटीक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले चाहिए तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। चलिए आप देखते हैं आज की नई भर्ती के बारे में। ये देख सकते हैं साथियों, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2020 और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो 5 अगस्त 2021 यानी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 20 अगस्त 2021। इसके बाद साथियों, कॉन्ट्रैक्ट बेस ये भर्ती रहेगी, किन किन पदों के ऊपर ये भर्ती आई है और कौन सा पद कौन से ज़िले में रहेगा ये आपके लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए पहला पद देख लेते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट का है पहला पद, जिसमें क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं MD MS और एज 18 से 42 वर्ष। 1,00,000 रुपए पर मंथ आपको दिए जाएंगे और इनके लिए वैकेंट सीटों की बात करें तो हरियाणा के टोटल 22 जिलों के अंदर ये वैकेंट पोस्ट अप्लीकेबल हैं साथियों। ये आप देख सकते हैं 21 जिलों के अंदर दिखाई गई हैं, अंबाला, भिवानी, फतेहाबाद। फतेहाबाद के अंदर 2 सीटें दी गई हैं, हिसार के अंदर 2 हैं 3 हैं, अलग अलग जगह की आप देख सकते हैं। जींद की भी 3 हैं, कुरुक्षेत्र की भी 2 हैं। तो साथियों, ये 22 जिलों के अंदर नए होकर और टोटल 22 पोस्ट ज़रूर हैं इस पद के लिए और ये जिले वाइज वैकेंट पोस्ट आप देख सकते हैं। पलवल के अंदर 2 हैं, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र। इसके अलावा नेक्स्ट पोस्ट आप देख सकते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन भी MBBS रहेगी, 18 से 42 वर्ष एज रहेगी, 1,00,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। इस पोस्ट की बात करें तो ये अंबाला, गुरुग्राम, हिसार, जींद, कुरुक्षेत्र, पलवल में 2 सीटें हैं, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और यमुनानगर में। तो टोटल मिलाकर 13 पदों के ऊपर ये वैकेंसी आई है। इसके बाद पेडियाट्रिशियन की आप देख सकते हैं, इसमें भी MBBS मांगी गई है, सेम एज रहेगी और सेम आपकी पेमेंट रहेगी। इन पदों की बात करें तो ये अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, पलवल, सिरसा और सोनीपत के अंदर आए हैं। उसके बाद साथियों, अंबाला, भिवानी, गुरुग्राम, झज्जर में भी ये जो आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जो सिविल हॉस्पिटल हैं उनके अंदर भी ये पद हैं। टोटल 17 पद हैं पेडियाट्रिशियन के, 17 पोस्ट वैकेंट है। रेडियोलॉजिस्ट की बात करें तो इसके लिए भी एज 18 से 42 वर्ष रहेगी और अगर आपके पास MBBS विद MD है तो 2,00,000 रुपये पर मंथ और MBBS विद रेडियोलॉजी का डिप्लोमा है तो 1,50,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। इसकी पोस्टों की बात करें तो ये आप देख सकते हैं साथियों, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नू, पलवल, पानीपत, सिरसा, यमुनानगर, टोटल 14 जिलों के अंदर ये वैकेंट पोस्ट हैं। फिजिशियन की बात करें तो इसमें MBBS की डिग्री मांगी गई है या फिर MD इन मेडिसिन हो, एज 18 से 42 वर्ष और 1,00,000 रुपए पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एक ही पोस्ट है साथियों हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके बाद सर्जन की पोस्ट है, ये भी एक पोस्ट है हिसार के अंदर है। तो साथियों, इनके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आप 20 अगस्त से पहले पहले इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और नीचे इसमें ये नंबर भी दिया गया है, अगर आपको इस भर्ती से रिलेटेड कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।